Be a part of powerful digital news network, Navi Mumbai Network. तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। पति का शक था पत्नी पर और उस आशय में उसने ये काम किया है। उस दोस्त के घर पे उसने लेके गया उस दिन रहने के लिए और उसी रात को उसने वो हत्या कर दी थी। तेईस जुलाई को महेंद्र हरिहरनाथ तिवारी ने अपने बेटे अंबुज तिवारी और उनकी बहू नीलम अंबुज तिवारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट रवाली पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी। मामला प्रकाश में आने के बाद परिमंडल एक वाशी एवं सहायक पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन में रवाली पुलिस ने अपनी तहकीकात तेज की और मात्र एक हफ्ते में इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर दिया और इस मामले में आरोपी अंबुज तिवारी और उसके दोस्त श्रीकांत चौबे को घनसोली से धर दबोचा। महेंद्र तिवारी नाम के व्यक्ति ने 23/7 को शाम को आके पुलिस स्टेशन में बताया कि उसका लड़का और उसकी वाइफ यानी त्याची सून वो मिल नहीं रहे हैं, कहीं चले गए हैं। उसने वो कंप्लेंट देने के बाद में पुलिस स्टेशन ने वो मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर की थी। दो बड़े व्यक्ति जब गायब होते हैं तो वो संशय का विषय हो जाता है। तो 28 तारीख के लगभग लेट नाइट में हमने वो अंबुज तिवारी जो लड़का था जो गायब हो गया था उसको ट्रेस कर लिया। उसको ट्रेस करने के बाद में हमने उससे पूछताछ की। पूछताछ तो हमने ईजिली चालू की क्योंकि वो मिल गया तो लड़की भी मिल गई होगी। तो लेकिन उसने उसकी वाइफ के बारे में बताया नहीं, वो बैफल करने लगा उसके जवाबों में। सहायक पुलिस आयुक्त विनायक वत्स ने ये बताया कि नीलम के चरित्र पर संदेह के कारण उसके पति अंबुज ने दुपट्टे से उसका गला दबाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए उन्होंने नीलम के शव को नीले रंग के ड्रम में रखकर अपने साथी श्रीकांत चौबे के साथ टाटा एस टेम्पो में रखकर खपोली हाईवे की झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस स्टेशन लाने के बाद में उसको सस्टेन इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेट करने के बाद में उसने ये बताया कि उसने 22 तारीख की रात को यानी 23 तारीख की सुबह उसने अपने पत्नी का गला दबाकर उसकी ओढ़नी से गला दबाकर उसकी हत्या की थी। उसका डेड बॉडी फिर उसने उसी रूम में पानी के ड्रम में डाल के उसका दोस्त जो उस रूम का मालिक है उसको बुला के उससे मदद ले के वो ड्रम उसके टेम्पो में डाल के उन दोनों ने उसको खोपली की दिशा में जंगल में डाल दिया था बुशेस में। सीनियर ऑफिसर्स से सलाह मशवरा करके उनका मार्गदर्शन लेके गुना दाखिल किया गया। उसके बाद में उसका इंट्रोगेशन में वो ड्रम भी हस्तगत कर लिया जिसमें वो डेड बॉडी थी। वो लेडी को आइडेंटिफाई कर लिया है उसके माता पिता ने और इसके माता पिता ने और वही लेडी है जिसकी हत्या हुई थी। इनकी शादी 2016 में हुई थी, उनको एक बच्चा भी है लेकिन पिछले 2-2.5 साल से उनमें अनबन चल रही थी। देर वॉज ए फाइट बिटवीन बोथ ऑफ देम, मतलब छोटी छोटी बातों पे पति का शक था पत्नी पर और उस आशय में उसने ये काम किया है। उस दोस्त के घर पे उसने लेके गया उस दिन रहने के लिए और उसी रात को उसने वो हत्या कर दी थी। पकड़े गए आरोपी पर धारा 302, 301 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दो आरोपी थे इसमें अंबुज तिवारी और श्रीकांत चौबे, दोनों को अरेस्ट कर लिया है, टेम्पो भी हस्तगत कर लिया है और ड्रम और लाश भी हस्तगत कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।